ये टेंपल रोड ब्रोड, टेम्परेचर है अराउंड 19-20 डिग्री, ठंडी हवा चल रही है। ये होटल राजकमल, कल शाम यहाँ बिताई थी। अलाफ बरोट, और फिर रात को यहाँ गाड़ी में सोए थे नदी किनारे। ठीक नींद आई, खूब इंजॉय किया, पीसफुल, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, नो सेफ्टी इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से सोए। और सुबह, खूबसूरत सुबह, और टाइम है अभी 7:15, सोए थे तकरीबन रात को 11:15। बीच में एक दो बार उठे थे वॉशरूम के लिए। तो मेरे ख्याल में 11:07:08 एक दो घंटे, छः घंटे की नींद तो आई गई। मुल्तान, चाय पीने के लिए आया हूँ मैं यहाँ, और पास ही वॉशरूम है, टॉयलेट्स हैं, तो फ्रेश भी हो गए। और ये है ब्यूटीफुल उहल रिवर, और सामने है के नेगी होम स्टे, जहाँ मैं पहली बार रुका था 2012 में। तब ये सामने वाला ब्रिज नहीं हुआ करता था, तब यहाँ इन्होंने लकड़ी का मेकशिफ्ट ब्रिज हल्का सा बनाया होता था, जिस पे चलना बहुत डेंजरस लगता था। तो बड़ी अच्छी यादें हैं मेरी, यहाँ पे 3 दिन रुका था उस टाइम पे 2012 में। तो आज भी बरोट मुझे उसी तरह की एक्साइटमेंट देता है जैसे मैं पहली बार आया था। तो चाय पीते हैं। तो ये टॉयलेट्स हैं मुल्तान में ब्रिज के बिल्कुल पास, तो मेरे काम किया है, तो मैं इसको यूज़ किया आज फ्रेशन अप होने के लिए। ठीक था, रीजनेबली क्लीन, लेकिन सबसे बड़ी बात पानी इसमें खूब था। तो पानी जहाँ पे है वहाँ गंदगी कम होती है। तो ये खूबसूरत नदी, बर्फीली नदी, ब्रोट वैली की शान। कितने सालों से आ रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जब भी आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेचर एट इट्स बेस्ट, नदी, पेड़ पौधे, सिंपल लोग। हालांकि पहले जैसे तो नहीं है, लोग तो बदल चुके हैं। जब मैं यहाँ 12 साल पहले आया था तो यहाँ सिर्फ एक दो होम स्टे थे, आज बहुत होम स्टे, गेस्ट हाउसेस, रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं, कैंपिंग भी है, बहुत कुछ है। Mesmerizing, so beautiful. बरोट की खूबसूरत सुबह, यह के नेगी होम स्टे 2012 में जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो यहीं रुका था।
इन्हीं के पास। तब मेरे पास लाल परी थी और इनके पास ये चेरी कलर की ऑल्टो। मेरी लाल परी तो गई, इनकी चेरी अभी है। बारह साल हो गए। समय उड़ता है, पता ही नहीं चलता। ये ब्रिज नहीं था उस टाइम पे। लकड़ी का लॉग्स लगा के टेम्प्रेरी ब्रिज बनाया करते थे यहाँ के लोग, तो वो कई बार बह भी जाया करता था। तब ये पैदल ब्रिज है मुल्तान और बरोट को जोड़ने वाला, इससे इन लोगों को सहूलत हो गई। आना जाना पैदल, सामान को लेके जाना, अब इनके लिए इजी हो गया। और एक बोनस है इस बार। रमन और सौरभ मिला, ये देखो अलग अलग मिले थे पिछली बार, इस बार एक साथ इनको देख के बहुत खुशी हुई। नहीं आएंगे दोबारा, तो नेचर को मिलने का बहुत मन था लेकिन नेचर हमें भूल गई है। अब दोबारा आना पड़ेगा। आपको याद नहीं है? नहीं नहीं, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे दोबारा नेचर के साथ तो फिर याद आ जाएगा। बड़ा ग्रांड के रास्ते में खूबसूरत वाटरफॉल, वो सतरंगी पिंक रेनबो, इतनी हसी जिंदगी है। आँखों पे जैसे कहानी, सदा यहाँ किसका ठिकाना है। ऊपर है
होम स्टे वुड हाउस। सो नलहोता वैली धौलाधार वुड हाउस होम स्टे। वो नीचे पत्ता गोभी के खेत। नाइस लोकेशन। का नाश्ता कम लंच, कड़ी चावल, दाल चावल, उखल खड के पास राजगुंदा से 2 किलोमीटर पहले। नाइस, लुक्स नाइस, बढ़िया लग रहा है। बीड़ बरोड सड़क पे उहल खड्ड पर पुल का शिलान्यास, दिनांक 9 अक्टूबर 2020। तो यह राजगुंदा को जाता हुआ उहल नदी पे उहल खड्ड पे पुल ब्रिज, जिसकी वजह से बीड़ बरोड का रास्ता कम हो गया। ब्यूटीफुल उहल रिवर और पीछे वो है बड़ा बंगाल की तरफ जाता रास्ता। सफ़ेद पहाड़ बादलों में छुपे हुए हैं आज, वो मेरा सफ़ेद घोड़ा और वो कई घोड़े। ब्यूटीफुल रिवर। वहाँ पे कैंप था मनु का जून 18, अब उसने शिफ्ट कर लिया है राजगुंदा। यह खूबसूरत उहल नदी और पीछे बड़ा बंगाल, ऊंचे ऊंचे धौलाधार की पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के पीछे है बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल के पीछे है चंबा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से थोड़ी दूर 3-4 किलोमीटर आगे प्लाचक है जमुना में, ये पुराना ब्रिज, पैदल ब्रिज जो अबैंडन्ड है। व्हाइट हॉर्स और ये ब्रिज राजगुंदा जाने के लिए, और ये पुल नदी रोड की ओर जाते हुए। इस एरिया में सब्जी बहुत होती है, स्पेशली मूली और पत्ता गोभी, तो आजकल इसका सीजन है। जहाँ भी जाओ रास्ते में लोग पैकिंग में लगी हुई है। ये जगह बहुत सुंदर है। टेम्परेचर 23-24 डिग्री है, हालांकि धूप है लेकिन गर्मी नहीं लगी, तो मिश्रण है ठंडी हवा और मीठी धूप का। ये ट्रेन जा रही है जी, भेड़ों की ट्रेन राजगुंदा। ये लोग भी फ्लाइंग करने के लिए जा रहे हैं बिलिंग की ओर। Thank you.
शाम का टाइम है और काफ़ी ठंड हो गई है, तो सोचा ऑमलेट से थोड़ी गर्माइश लाते हैं। तो विपिन से खा रहे हैं आज, ये राजगुंदा कैंप्स, विपिन ठाकुर से खा रहे हैं ये ऑमलेट, ब्यूटीफुल लोकेशन पे। बड़ा ग्राम राजगुंदा, वो सामने दिखाई दे रहा है बड़ा ग्राम, ये राजगुंदा। शाम का टाइम है, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, ठंड बहुत बढ़ गई है, अराउंड 18 डिग्री है टेम्परेचर, बादल छाए हुए हैं। ये ग्रासी ग्राउंड है, घोड़े गाय भेड़ें नीचे दिखाई दे रही हैं, बहुत ही बढ़िया ठंडा मौसम राजगुंदा।